जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर अकेडमिक में। तो देखते हैं दोस्तों, IOCL की तरफ से एक और वहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, जो आपका IOCL डिपार्टमेंट है उनके अंतर्गत आने वाली जो कंपनी है आपकी, जिसका नाम है यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल, तो इनकी तरफ से देखिए रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए यहाँ पे काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए इसका कुल पोस्ट कितना है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है, साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, इसका स्टार्टिंग अप्लाई डेट कब है और एंडिंग कब है, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए जो है बेल आइकन भी ऑन कर देना, ठीक है। तो चलिए हम पूरा डिटेल इस वीडियो में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी है कितनी। तो देखिए, जो आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट यानी प्रोडक्शन के सेक्शन में टोटल 17 वैकेंसी है, और साथ में जो आप कैटेगरी वाइज पूरे वैकेंसी आप अपनी कैटेगरी से देख लीजिएगा। साथ ही जूनियर असिस्टेंट जो आपका देखिए 4 है, प्रोडक्शन ट्रेनी, फिर आपका मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल ट्रेनी, देखिए आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इस तरह से यहाँ पे जो वैकेंसी है डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। साथ ही अभी हम देख लेंगे कि IT वालों के लिए कौन सी पोस्ट है। देखिए IT वालों के लिए यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के से है, जो इसमें इसकी कुल मिलाकर 6 पोस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर 72 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम देख लेंगे इसका स्कोर कार्ड के, देखिए जैसे नीचे आते थे इसका क्वालिफिकेशन भी हम एक बार यहाँ पे देख कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते आएंगे नीचे, तो देखिए जो आपका सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपका जो रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन किसका मिलता है, देखिए जो आपका SC कैटेगरी, ठीक है। SC कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन देख लीजिए, आपका SC के लिए 5 ईयर डे वाउचर, OBC के लिए 3 ईयर्स, जो आपका पर्सनल यानी फिजिकली हैंडीकेप उनके लिए 10 ईयर्स के यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपने वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए साथ ही अभी हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए जो आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन जो आपका केमिकल पेट्रोलियम, या फिर आपका BSc चाहिए या विथ केमिस्ट्री एंड मेजर सब्जेक्ट हो, जो क्वालिफिकेशन आप एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो सबसे मेन बात है, इसमें आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है यानी मिनिमम देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप आए तो उस फील्ड में आपको क्या यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और साथ ही अभी जो IT की पोस्ट है तो उसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी, तो इसका भी क्वालिफिकेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें आप जो चाहिए मैट्रिक चाहिए, साथ ही आपका प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम जो आपका NFSC नागपुर और इक्वेलेंट रेगुलर फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद हेवी व्हीकल ड्राइवर, हमें आपका जो आपका हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको रिक्वायरमेंट है, और साथ ही जो आपका मिनिमम 2 ईयर पोस्टल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको रिकमेंड है फायर एंड सेफ्टी के इसमें, ठीक है। और साथ ही ये देखिए ये नीचे वाला जो है आपका इसका जो पोस्ट कोड है ये काफ़ी मेन है, इसको पोस्ट कोड वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग में देखिए जो आपका ITI विथ NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और साथ ही उसके साथ ही हेवी ड्राइव जो आपका व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होता है, ठीक है। ITI फिर उसके साथ आपका अप्रेंटिस और उसके साथ के हेवी ड्राइव का हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका चाहिए, और इसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर 3 चीज़ में आपके पास है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज जो है नीचे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट कोड वाइज जो है उन्होंने यहाँ पे ये दिया गया है, तो देख हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने पोस्ट कोड वाइज दिया गया है कि जो जो इस पोस्ट में भी, और यहाँ पे पोस्ट कोड देने के बाद यहाँ पे आपको डिजाइव दिया गया है कि आपको डिजाइबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विच आइडेंटिफाइड टू है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये सब जो आप एक बार देख लीजिएगा, और साथ ही अभी मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। अगर
दोस्तों चैनल पर नए तो इसी तरह के गवर्नमेंट लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।